आज हम बनाने जा रहे चावल के पापड़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक मुट्ठी चावल में हम कम से कम 25 पापड़ बना लेंगे। इतने सारे पापड़ बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आपको मैं सामने दिखा रही हूँ तोड़ के, ये देखिए किस तरह से ये चूरा चूरा हो गया और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं और एकदम पतले पतले पापड़ हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है और एक मुट्ठी चावल में इतने सारे पापड़ बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी चावल भिगो कर रखे थे जो कि फूल कर डबल हो गए हैं और ये अब 1/4 कप हुए हैं फूलने के बाद। जब मैंने इसे भिगोया था तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल भिगोए थे और इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और ये फूल कर डबल हो गए। अब हमें क्या करना है, इन चावलों को पीसना है इस तरह से मिक्सी में। तो इसे हम पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ये 2 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो जब आप इस तरह से चम्मच से इसे उठाएंगे तो ये चम्मच को अच्छे से कोट कर लेगा। तो इस तरह से चम्मच को कोट करना चाहिए, इतना गाढ़ा हमें इसका मिक्सचर चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से चम्मच को ये कोट कर रहा है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मसाला पापड़ तैयार हो जाएगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। एक गैस पे मैंने क्या किया है, कढ़ाई में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पापड़ों को स्टीम करना है। तो इसे मैं ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट्स ली हैं जिसका जो बेस है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो आप छोटी प्लेट भी ले सकते हैं, इस तरह से बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ की प्लेट ली है और जो कि कढ़ाई में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये 4 प्लेट ली हैं। आपके पास अगर छोटे साइज़ की हो तो छोटी ले सकते हैं। तो जिस साइज़ के आप लेंगे उतने बड़े पापड़ बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हल्का हल्का तेल लगाएंगे इन प्लेट में और इसे इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पापड़ निकालने में आसानी होगी। तो एक एक बूंद आपको तेल लगाना है इस पर, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाएं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैं बिल्कुल हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है इसे थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसमें प्लेट में डालेंगे और इस मिक्सचर को हम चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैं इसे फैला रही हूँ। तो इस तरह से फैला लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल पतले पतले पापड़ बना रहे हैं। अगर आप मोटे बनाएंगे तो आप थोड़ा सा मोटा इसे रख सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल पतला रखा है, इसे क्या होता है, पापड़ बिल्कुल पतले पतले बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए किस तरह से इसने प्लेट को कोट कर लिया है। इस तरह से हम सारी प्लेट में ये मिक्सचर डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं डालना है आपको। तो ये देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया है और इतना डालना है कि ये चारों तरफ से कवर कर ले प्लेट के जो बॉटम है उसे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है, अब इसको हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे इस तरह से और इसे ढक देंगे। 10 सेकंड लगते हैं इसे पकने में और आप देख सकते हैं किस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है। तो सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड में ये आपका पापड़ रेडी हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल जो कलर है वो चावल का जो बैटर था उसका चेंज हो चुका है। ये देखिए सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं इसे पकने में, 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। ये देखिए अब हम दूसरी प्लेट रख देंगे इसमें। तो बहुत जल्दी ये पापड़ तैयार होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए किस तरह से ये पापड़ जल्दी जल्दी तैयार होते जा रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारी प्लेट्स ले सकते हैं और तैयार करके रख सकते हैं और जल्दी जल्दी आप पापड़ बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेट में से पापड़ को निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितने पतले पापड़ बने हैं और निकालना भी बहुत आसान है। चाकू से इस तरह से साइड से स्क्रैप कर देंगे
चारों तरफ से चाकू से इस तरह से हल्का सा छुटा लेंगे। बस इस तरह से, और फिर इसे हाथ से पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो पापड़ टूट सकता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया, और आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं, आर पार नज़र आ रहा है, तो कितना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट पतला बिल्कुल पापड़ तैयार हो गया है। तो इसे हम थाली में इस तरह से लगा लेंगे, आप चाहे तो कोई प्लास्टिक शीट पे फैला सकते हैं, तो अगर आप धूप में सुखाना चाहते हैं तो धूप में इसे 2 दिन सुखा सकते हैं, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसे बिना धूप के भी आप बहुत ही इजीली सुखा सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे पापड़ तैयार हुए हैं, बिल्कुल पतले पतले, और इसे निकालना भी कितना आसान है। ये देखिए चाकू से इस तरह से हम इसे साइड से चुड़ा लेंगे और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, तो कितनी आसानी से ये हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। एक मैं आपको और निकाल के दिखा देती हूँ। तो बहुत ही आसान है पापड़ बनाना, तो एक मुट्ठी चावल में आप इतने सारे पापड़ बना सकते हैं। इसमें कम से कम मेरे 25 पापड़ बन गए थे, ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, और पापड़ आप देख सकते हैं कितने पतले हैं। तो ये देखिए कितने पतले पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं, इन्हें आप धूप में फैलाकर सुखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये थाली में इस तरह से लगा लिया, आप किसी प्लास्टिक शीट में भी लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम फिर से इन प्लेट में ये मिक्सचर डाल देंगे और फिर से इसे स्टीम कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो आपको बार बार इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा वाला हम निकाल देंगे इस तरह से। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने जीरा, नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे पापड़ तैयार कर लेंगे। तो ये कम से कम आपके 25 पापड़ तैयार हो जाएंगे इतने मिक्सचर में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पापड़ों को अच्छे से सुखा लिया है, और काफ़ी अच्छे से बिल्कुल सूख चुके हैं। 2-3 दिन मैंने इसे धूप लगा ली थी, अगर धूप ना आती हो तो आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो इसे अच्छे से सुखा लें, बिल्कुल भी गीलापन या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम ऑयल गर्म कर लेंगे, तेज़ गर्म करना है हमें ऑयल को। तो गर्म तेल में हम इस तरह से पापड़ डालेंगे, और पापड़ आप देखेंगे कितने बड़े हो गए साइज़ में, ये देखिए। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पापड़ तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छे फूले फूले पापड़ तैयार होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ तैयार होते हैं। देखिए डालते ही कितने ज़्यादा ये बड़े हो जा रहे हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा होली पे, और अपने मेहमानों को भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। तो ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं, और थोड़े से चावल में ये बहुत सारे पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा पापड़ है, और कितना ज़्यादा ये बड़ा हो गया, ये देखिए कितने अच्छे ये पापड़ तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं, ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जैसे आप बाज़ार से लेते हैं पापड़, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम घर में बनाते हैं तो ये हाइजीनिक होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग इसे बनाते हैं, बाज़ार वाले पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो अपने घर पे आप अपने हिसाब से अपनी ये चीज़ें बना सकते हैं, और स्टोर करके रख सकते हैं साल भर तक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।